क्या आपको पता है क्यों लिया था भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार? आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। हे प्रभु, जो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें सब्सक्राइब करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी कृपा करना। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नीति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। अगर आपको इस तरीके के रहस्यमयी तथ्यों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों व परिवारजनों को शेयर करें।